टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर की शादीशुदा जिंदगी फिर से मुश्किलों में आ गई है। उन्होंने एक साल पहले निखिल पटेल संग दूसरी शादी रचाई थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने पति का सरनेम अपने नाम के आगे से हटा दिया, जिसके बाद उनकी तलाक की खबरें खूब फैलने लगी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उनका पहला तलाक क्यों हुआ था। उनके पहले पति शालीन भनोट थे, जो कि बिग बॉस सीजन 16 में दिखाई दिए थे। आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि दलजीत कौर ने शालीन भनोट पर क्या क्या आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई थी, टूट गई थी। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस दलजीत कौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने पति निखिल पटेल के सरनेम को हटा दिया। साथ ही एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ के सभी फोटोज भी डिलीट कर दिए। इसी के साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दलजीत कौर की अपने पति निखिल पटेल से राहें जुदा हो गई हैं, क्या दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने जा रहे हैं। एक्ट्रेस दलजीत कौर ने सोशल मीडिया से पति का नाम हटाकर सभी को हैरानी में डाल दिया, लेकिन एक्ट्रेस की तरफ से तलाक को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दलजीत की टीम ने एक्ट्रेस को लेकर अपडेट भी जारी किया। दलजीत कौर के सुर्खियों में आने के बाद एक्ट्रेस की टीम ने जानकारी शेयर की। दलजीत कौर की टीम ने बताया कि एक्ट्रेस इस समय अपने बेटे जैडन के साथ भारत आई हैं। दलजीत की टीम ने एक्ट्रेस के वापस देश आने की वजह भी बताई। एक्ट्रेस की टीम ने कहा कि दलजीत अपने पापा की सर्जरी के लिए भारत आई हुई हैं। इसके अलावा वो अभी इस मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दलजीत कौर के पहले तलाक के बारे में। बात करें दोनों की लव स्टोरी की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक शालीन और दलजीत कौर की पहली मुलाकात टीवी शो के सेट पर हुई थी। शो में दोनों को एक दूसरे का नेचर काफी पसंद आया, वो बहुत जल्द घुले मिले, दोस्ती शुरू हो गई और उनका रिश्ता बहुत जल्द प्यार में बदल गया। शादी से पहले दोनों ने लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट किया। शालीन ने दलजीत को शादी के लिए प्रपोज किया और जब एक्ट्रेस ने हाँ कहा तो बात आगे बढ़ी। इसके अलावा शालीन और दलजीत की शादी धूमधाम से हुई। परिवार वालों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने शादी की। 2009 में शालीन और दलजीत एक हुए। शादी के 3 साल बाद दलजीत ने बच्चे को जन्म दिया। कहा जाता है बच्चे के जन्म के बाद उनकी दूरियां मिटने के बजाय बढ़ने लगी, उनका रिश्ता सुधरने की बजाय बिगड़ता चला गया। दलजीत ने शालीन और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। फैंस यहां कल्पना कर रहे थे कि शालीन और दलजीत साथ में हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। उन्हें दलजीत के ये आरोप सुनकर धक्का लगा था। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि शालीन और दलजीत का अब साथ आना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। हालांकि दलजीत ने हमेशा इस शादी को बचाने की कोशिश की, मगर बात बिगड़ती चली गई। शादी के 6 साल बाद यानी 2015 में उनका तलाक हुआ। बेटे के खातिर दोनों जरूरत पड़ने पर साथ जरूर आते हैं। फिर इसके बाद दलजीत कौर ने साल 2023 में 10 मार्च को निखिल पटेल से शादी की थी। ये दलजीत कौर की दूसरी शादी थी, लेकिन अब इस तरीके से दूसरी शादी का भी टूटना उनके फैंस के लिए काफी बुरा है। फैंस चिंता में हैं कि दोनों का रिश्ता बच जाए। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।